पार्ट फर्स्ट के लिए, जो कि पेपर होना था कल से, 20 दिसंबर से जो पेपर होना था उस पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस IQ लेवल यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ बिहार से, और आप सभी जो भी मतलब चैनल सब्सक्राइब किए, नए नए 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे या 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे, तो आप सभी के लिए भी वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वेट करिए और प्रिपेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब से हर एक सोल्यूशन जो है नहीं मिल पाता है आपका, मतलब जितना भी मतलब प्रॉब्लम्स है वो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपको अगर होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। और जो भी मतलब आपको न्यू डेट शीट जो भी आ गई है यहाँ पे आपको, कि आपका पेपर जो है फरवरी से स्टार्ट होकर के मार्च के एंड तक चलेगा, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट है भैया। आप लोग सब पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से। और फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे बिहार से, तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे के बिहार यूनिवर्सिटी में, और साथ ही मैं यहाँ पे और भी अदर कोर्सेज जो है मैं कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने BCom एडमिशन लिया है, और यहाँ पे जो BCom का जो न्यूज़ निकल के आ रहा है पार्ट फर्स्ट के लिए, जो कि पेपर होना था कल से, 20 दिसंबर से जो पेपर होना था उस पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल करने का कारण क्या बताया जा रहा है कि कॉलेज में कॉपियां ना होने की वजह से पेपर को कैंसिल किया जा रहा है। पार्ट फर्स्ट के BCom पार्ट फर्स्ट के बिहार यूनिवर्सिटी के लिए पेपर जो है कैंसिल किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 20,000 से भी ज़्यादा बच्चों का जो है नामांकन जो जो कि BA में होने वाला था तो वो नहीं हो पाया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स में होने वाला था वो नहीं हो पाया था, इसके वजह से भी पेपर को कैंसिल किया गया है। साथ ही यहाँ पे टोटल अगर मैं बता दूँ यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट फर्स्ट में 2018 से लेके 21 के सेशन में 1,20,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है और रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा है। तो इनके एग्जामिनेशन होने थे 20 तारीख से, लेकिन अब ये पेपर्स कैंसिल हो गई है। आगे आने वाले समय 8 तारीख तक, मतलब 2020 जनवरी 8 तारीख तक ये पेपर्स जितने भी हो रहे थे इसके बीच में सारे कैंसिल कर दिए गए हैं अगले आदेश तक। यानी कि अगला आदेश जब भी आएगा तो वैसे ही आपका मतलब एक अगर नया डेट शीट जारी कर दिया जाता है तब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी 20 तारीख से लेकर के जनवरी 8 तारीख के बीच में जितने भी पेपर्स होने थे सारे पेपर्स को भी कैंसिल कर दिया गया है और इस पेपर्स को स्थगित कर दिया गया। यानी कि इसका पेपर अभी नहीं होगा, 20 तारीख से नहीं होगा, और आप लोग फ्री हो सकते हो एग्जामिनेशन के एक प्रेशर से। लेकिन फिर भी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार यूनिवर्सिटी कभी भी न्यूज़ ला देगी और बोलेगी कि आपका पेपर इस डेट से है, या कभी भी कुछ भी बोल सकती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो भी 20 तारीख से पेपर होने वाला था वो अब नहीं होगा। बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे सबसे पहले ये चीजें सुन ले, और उसके बाद 8 तारीख तक होने वाले जो भी पेपर थे इसके बीच में 8 तारीख तक के पेपर जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके बाद के जितने भी पेपर है वो अभी भी स्टिल वैसे ही चलेंगे, वो डेट शीट वैसे ही रहेगी, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ना कोई न्यूज निकल के आएगा। जैसे न्यूज निकल के आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल तो यही है कि जो भी 20 तारीख से होने वाले पेपर थे पार्ट फर्स्ट के बिहार यूनिवर्सिटी के 2018 से लेके 21 सेशन वाले के, उनके पेपर्स कैंसिल हो चुके हैं। तो बस इतनी बातें जान लो, और कारण यही था कि कॉलेज में पेपर्स नहीं थे, मतलब कि आंसर शीट्स नहीं थे जिसपे आप लिख पाते। और साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें होंगी, तो आप जो है जाकर के पोर्टल पे पढ़ सकते हैं या आप जो है न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में तो ये भी कहा जा रहा था कि बहुत बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया था, कॉलेज जो थी कह रही थी कि बहुत बच्चों का नामांकन करिए यूनिवर्सिटी को और तभी जाकर के आप पेपर स्टार्ट करिए, तो इसके वजह से भी पेपर को कैंसिल किया गया है। तो ये बात अपने दिमाग में डाल ले, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहली चीज़ यही थी कि मैं बिहार से हूँ, तो भैया मैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में भी अब वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नॉलेज लोगों के पास बहुत कम है इन सारी चीज़ों के बारे में, और लोग जो है बहुत जल्दी मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमेशा कोई ना कोई नया अपडेट ले आती है और एग्जामिनेशन कैंसिल कर देती है, कुछ ना कुछ कर देती है। तो इसके वजह से आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो न्यूज़ थी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो साइड में यहाँ पे फ्लैश करके आपको आ रहा है ये भी आप देख सकते हो। तो यही चीज़ थी बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद। फिर कोई अगला अपडेट आता है तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।